वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना। 2019 में सरकार का कर्ज घटकर जीडीपी का 48.7% हुआ। 27.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में धरना और विरोध प्रदर्शन जारी। शाहीन बाग में जारी महिलाओं के धरने का आज 49वां दिन। प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए सरकार तैयार। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर बात करने के संकेत दिए। जामिया में हुई फायरिंग के मामले में जामिया के पूर्व छात्रों ने खोला मोर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी नाबालिग को 14 दिन की प्रोटेक्टिव कस्टडी में भेजा गया। फिर टली निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों की फांसी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक डेथ वारंट पर रोक लगाई। राष्ट्रपति ने दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज की। सैलरी में बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर लाखों बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। सरकारी बैंकों में कामकाज ठप। चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस दुनिया के 25 देशों में फैला। चीन में अब तक कोरोना वायरस से 259 लोगों की मौत। चीन के वुहान से 324 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का स्पेशल विमान भारत पहुंचा। चीन से लौटने वाले भारतीयों को दिल्ली और मानेसर के कैंप में भेजा गया। 47 साल बाद ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ। यू छोड़ने वाला पहला देश बना ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल्स का फाइनल आज। फाइनल में अमेरिका की सोफिया केनिन और स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा के बीच मुकाबला। और वेलिंगटन में खेले गए चौथे T20 मैच में भारत ने एक बार फिर न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हराया। जीत के बाद भारत सीरीज में 4-0 से आगे।